गाइस जा रहे हैं हम सिंगर फोर्ट और अभी रास्ते में यहाँ से कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है शायद। सुबह निकलने का प्लान था, थोड़ा लेट हो गया। एग्जैक्टली सुबह तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एमडी को देखो एक बार, ऊपर जैकेट, नीचे जीन्स फुल सेट, और एक बार मुझे देखो, हाफ टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स। एक जाकिर खान का शेर याद आता है, तो अर्ज किया है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, माना मर्द को दर्द नहीं होता होगा, लेकिन ठंड लगती है। शिट यार, लाइफ कितनी बोरिंग हो रखी है यार। मतलब इतने सही नेचर में बैठ करके, वो कहते हैं ना, नेचर के गोद में बैठ करके आप ये ऐसे गर्मा गर्म यहाँ पे मैगी वगैरह खा रहे हो यार, मतलब शिट। और बाकी लोग इस समय वही 9 से 6 की नौकरी कर रहे होंगे और सड़े पड़े बैठे होंगे घर पे। हम देखो यार, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मा गर्म मैगी है, नेचर है। इंजॉय करो यार, इस चीज़ को इंजॉय करना पड़ रहा है यार। गाइस शिट यार, सो यार हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया और अब थोड़ा ट्रैक करके चलना पड़ेगा ऊपर। और ऑल्टरनेटिवली तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, तुम ना पूरे रास्ते ट्रैक करके भी आ सकते हो यहाँ से। ये देखो ये रास्ता है, यहाँ से नीचे तक बिल्कुल काफ़ी वैसे बड़ा है, मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ी स्टैमिना वगैरह होनी चाहिए वरना घंटा आ नहीं सकते। तो तुम्हारे ऊपर है यार, मतलब अगर तुम आ सकते हो तो गाड़ी से भी आ सकते हो। थोड़ा सा पहले रुक जाती है गाड़ी पार्किंग में, उसके बाद तुम्हें चल के जाना पड़ता है। अभी हम चल के जाएंगे वैसे सीढ़ी में। ये देखो यहाँ से रास्ता है, सीढ़ी से ऊपर जाना होगा, और अगर तुम बिल्कुल ट्रैक करके आना चाहते हो तो नीचे भी रास्ता है। गाइस एक बार ये वाला सीन चेक करो, पीछे कितना डेप्थ है और मैं कहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा हूँ। थोड़ा रिस्की है, डोंट ट्राई दिस एट होम, बट जस्ट लुक एट दिस। अगर ये गिरा ना, कोई चांस नहीं है बचने का। क्या कहते हो भाई, कितना नीचे होगा? बचने का बहुत सारा चांस है, लेकिन इधर झाड़ी बीड़ी है ना, उस पे अटकेगा। झाड़ी पे अटकेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं अटक पाए तो बिल्कुल नीचे गिरोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे जाएंगे हम, जीरो लेवल पे। एकदम नीचे से ऊपर, ऊपर से बहुत ऊपर। पहले नीचे जाना पड़ेगा ना, पहले थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, फिर बहुत ऊपर। इसलिए यार ट्राई मत किया करो ऐसी चीजें। यहाँ पर हम प्रोफेशनल्स के अंडर में ये सारी चीजें करते हैं। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको सब प्रोफेशनल्स है, ठीक है। गाइस एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, सामने जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है चढ़ना, और हमारे साथ हमारा दोस्त कह रहा है हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, बहुत डेंजर। अरे ट्राई तो कर यार, थोड़ा सा सीधा नीचे चले जाएंगे यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बंदे में। अभी चढ़ेगा ये, मैं बोल रहा हूँ तू वहाँ तक जा जिस पॉइंट पे तुझे लगेगा कि अब नहीं चढ़ सकता, वहाँ से वापस उधर से देखते हैं, उधर से है। एक बार चल तो मेरे साथ, देखते हैं गाइस, देखते हैं यार, होपफुली चढ़ पाएगा। कॉन्फिडेंस दो इसको। अरे बंद कर, मुश्किल रास्ता है वैसे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है यार, चढ़ सकते हैं। ये डर रहा है, आ जा। कैसा है ऊपर? बढ़िया। उधर ऊपर टॉप में चढ़ के अच्छा व्यू आ रहा है, बढ़िया व्यू आ रहा है। हाँ, 5 मिनट आ गए। इसका मेन कहाँ पे है, मतलब ये सिंगर फोर्ट बोलते हैं ना, मेन क्या है यहाँ पे? वो तो आगे जाके अंदर है। आगे जाके अंदर? हाँ, अंदर है। अच्छा, ओके। एमडी आ जा यार, इधर ही है सीधा। वो नहीं भाई, वो नहीं आ सकता, उम्मीद ही नहीं है। लड़कियाँ आ रही है यहाँ पे, लेकिन उसमें दम नहीं है। कोई बात नहीं, हम चलेंगे। थोड़ा स्ट्रेट है यार, वो देख के डर गया ये। स्ट्रेट चढ़ाई, इंक्लाइंड है काफ़ी, तो हम तो चढ़ रहे हैं। और बाकी आपको व्यू भी दिखा देते हैं, ये देखो। ओह माय गॉड, 360। अभी और भी काफ़ी ऊपर है स्ट्रेट, तो इफ़ यू हैव स्टैमिना तो आप चढ़ सकते हो, वरना वही एमडी की तरह वापस घूम के जाना पड़ेगा। अब वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। सो अगर वो नहीं मिला तो पता नहीं क्या करेंगे। एनीवेज, एंजॉय द रास्ता, द ब्यूटीफुल वे। कितना पतला है ना रास्ता यार, लुक एट दिस गाइस। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना यार, खूबसूरती और बढ़ती चली जा रही है। वो यहाँ पे सीढ़ियाँ इतनी स्ट्रेट है ना यार, If you fall, कोई चांस नहीं है बचने का। But why will we fall यार, अगर हम seriously, consciously चढ़े। ये क्या है भाई, तोप? ये तोप है। टैंक? टैंक है वो। पुराना वाला
हाँ निशाना किस पे लगा रहा है ये तो? ये निशाना है उधर नीचे जो एनिमी रहता होगा। हाँ उस पे निशाना। तो यार देखो तुम खतरे में हो अगर तुम वहां रहते हो। ये तोप कभी भी चलेगा और तुम्हारे ऊपर गिरेगा। मेक श्योर इसके एंगल में मत आना, है ना? इसका एंगल चेंज होता रहता है। हाँ मैं सामने जा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा चलेगा नहीं ये तोप। इसके अंदर गोली तो नहीं है? नहीं है। छोड़ू क्या इधर? नहीं नहीं अभी रुक जाओ, साइड हो जाऊंगा तब छोड़ना, वरना टैंक के साथ मैं भी जाऊंगा। हाँ कैसे पता? ओह वाह देख रहे हो यार, लैंग्वेज से लोग पहचान रहे हैं, क्या बात है। नाइस। नोएडा से? नोएडा से यार। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी यहाँ पर आओ चार्ज वार्ज कर लो अपने डिवाइसेस। यार मेरे गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया और अनफॉर्चुनेटली अब फोन से व्लॉग कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं भाई एमडी का क्या हालचाल है। क्या सही खूबसूरत जगह, ग्राउंड है यार प्रॉपर। यहाँ तो विकेट विकेट लगा के क्रिकेट विकेट खेलना स्टार्ट कर दो यार प्रॉपर। मतलब मुझे लग रहा था ऊपर ऊपर पे जाओ तो शायद यू नो पहाड़ का ऐसे टॉप वॉप कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा फ्लैट है। क्रिकेट भी खेल सकते हो, स्टम्प स्टम्प लेके आ सकते हो, बैट बॉल खेलो, मस्त है ना। और गाइस यहाँ पे खास बात ये है कि आपको जगह जगह पे ना मस्त चाय वगैरह छाछ वगैरह बनाते हुए एकदम नेचुरल तरीके से मिलता जाएगा। आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे चाय छाछ सब बना रहे हैं ये लोग। फ्रेश छाछ, मसाला छाछ और चाय अंदर बन रही है। यहाँ पे इनका किचन है और मसाला। हाँ ये छाछ है, इसको इसमें मिक्स करके अभी इसके ऊपर मसाला भी डालेंगे। ये है फ्रेश छाछ। कितने का ये? पन्नस। कैसी है चाय? अच्छी है भाई। बढ़िया यार, लस्सी भी बढ़िया थी, मैंने खत्म ही कर दी ऑलमोस्ट, और चाय भी काफी सही है। तो यार जो भी चाय या लस्सी जो भी आप, लस्सी नहीं है छाछ चाहिए। हाँ तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, 50 रुपये की लस्सी और चाय पता नहीं कितने की है। 10 रुपये की सर? 10 रुपये की। अरे भैया घोड़ा सवारी कितने का? बड़े का 100 रुपये, छोटे का? और कहाँ का घुमाते हो? हाँ सीधा राउंड। कितना होगा? 5 मिनट बोर्ड के आगे जाएंगे, राइट टर्न नहीं है ऐसा। अच्छा बैठेगा एमडी? नहीं जाने सार है, जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है। सो यार ये था आज का व्लॉग, अब जा रहे हैं वापस नीचे क्योंकि ऑलमोस्ट हमने घूम लिया है। थोड़ा गर्म है, बहुत बड़ी एरिया है यार, मतलब काफी समय लेके आना और सुबह के टाइम में आना ताकि ज्यादा धूप ना लगे। अभी ज्यादा गर्म हो गया है, सुबह का ही प्लान था एक्चुअली, थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और जल्दी आएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई जगह पे। क्या कहता है एमडी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आएंगे ना? यस, पहली बार कुछ अलग बोला, वरना हर चीज इसका बढ़िया ही होता है। हां बढ़िया, जल्दी तो आना ही पड़ेगा भाई।